अस्सलाम वालेकुम। तो आज चलिए किचन के इस दरवाजे के उस पार लिए चलती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये है, इसको हम पड़ी बोलते हैं। यहाँ पर दो दो चूल्हे लगे हैं, एक तो माट, गांव में आओ और माट का पानी नहीं नहाओ तो कुछ कमी सी महसूस होती है। तो मेरा अक्सर रहता है कि मैं माट जलाऊं, इसका ये जो धुआं है ना, ये बहुत अच्छा लगता है बाहर जब फैलता है बाहर की ओर। मैं भी बताऊंगी आप लोगों को, बाहर इसका धुआं नज़र आएगा आप लोगों को। ये पड़ी है, ये देखिए, ये मुर्गियों का आशियाना है, यहाँ पर हम मुर्गियाँ रखते हैं। और ये वॉशिंग मशीन, और यहाँ पर ये बाथरूम है एक और इंडियन टाइप। तो अब मैं आपको बाहर लिए चलती हूँ। यहाँ से हमको और एक दरवाज़ा है जो कि बाहर, पड़ी के बाहर बोलते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पर ये बोरिंग है और यहाँ पर ये पूरा बाग लगा हुआ है मेरा। ये मैं आपको टेरेस पर से इसका नज़ारा दूँगी, ऐसी खाली एक झलक दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं यहाँ से। ये देखिए, ये पेरू का झाड़ था जो कि मैंने तोड़ दिया। ये बहुत सालों से झाड़ है पर उस पर कोई फल नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इस बार इसको तोड़ दी। तो इस तरह से ये है, देखिए, ये सुपारी के झाड़, काजू के झाड़ हैं, चीकू के झाड़ हैं, नारियल के झाड़ हैं, जाम है, आम के झाड़ हैं, और ये जो है आंवला है, छोटा आंवला है, फिर पेरू हैं, तेज पत्ता है, रामफल है। इस तरह से तमाम झाड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मैंने उस दिन आप लोग को दिखाई थी नींबू का झाड़, और ये लेमन ग्रास, यहाँ पर भी लेमन ग्रास है। देखिए, इनकी सफाई करनी है लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। ये लकड़ियाँ मैंने यहाँ पर ला के रखी हूँ क्योंकि वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर उनको थोड़ा सा जमा करके रखा है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं। ये भी एक काजू का झाड़ है मेरा, बहुत पुराना, इसमें बहुत ज़्यादा मोहर आया हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ भी देखिए, दो है ना, जाम के झाड़ भी थे और ये आम का झाड़ है, यहाँ पर ऊपर गया हुआ है जो कि। इसके बाद यहाँ पर ये है हमारी गाड़ी खड़ी करने के लिए, हमने गैरेज जैसा बनाया है छोटा सा। ये देखिए, छपरा डाल के यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है। अभी कल मेरा बेटा आ जाएगा तो फिर यहाँ पर ये जगह भर जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सारी लकड़ियाँ जो कि यहाँ पर जमा थी, इनको सबको छांट के रखा हुआ है। ये है नारियल का झाड़, उसके बाद दो सुपारी के झाड़ है, फिर यहाँ पर ये सब सुपारी है, और बीच में हर झाड़ के बीच में पाइनएप्पल का पौधा लगाया हुआ है हमने। आप लोगों को मैं करीब से दिखा रही हूँ, देखिए, ये है पाइनएप्पल। ये सब आगे वहाँ तक आपको पाइनएप्पल नज़र आएंगे। उसके बाद गेट है हमारा, और ये जो है इस तरह से ये हमारा घर है। ये देखिए, धूप बहुत है तो फिर चलिए, ये मैंने आपको बाहर का थोड़ा सा लुक देने की कोशिश की है। यहाँ पर ये जो बाड़ील है ना, उसके उस पार मेरी बीच वाली बहन का घर बनेगा इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज़।